10-15 हज़ार किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल बनाकर रूस, चीन और अमेरिका हमेशा से दुनिया को अपना रुतबा दिखाते रहे हैं। और ऐसे देश हमेशा ऐसी धमकी देते रहते हैं कि कोई भी देश अगर इनके संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है तो इनकी मिसाइलें हमेशा दुनिया के किसी भी देश में घुसपैठ करने के लिए तैयार रहती हैं। पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना होने के बावजूद भी भारत ऐसी धमकियों को सुनता रहता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि कब तक भारत ऐसे धमकियों को सुनता रहेगा और कब इन देशों को मुंहतोड़ जवाब देगा? शायद वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। आज इंडिया टॉक्स पे हम एक ऐसे मिसाइल के बारे में बात करेंगे जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा सकती है। भारत आज तक के अपने इतिहास का एक सबसे महान प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है जिसका नाम है अग्नि 7। अग्नि 7 वो सपना है जिसके पूरे हो जाने के बाद दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से थर थर कांपेंगे। कुछ सालों पहले तक भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए थे जिसके कारण भारत अपने मिसाइल्स के रेंज और टेक्नोलॉजी को लेकर के इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत सारे बयान नहीं दे पाता था। लेकिन अब इन सारे प्रतिबंधों के हट जाने के बाद भारत खुल करके अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है और इनका ऐलान पब्लिक में कर सकता है। अग्नि 7 की कल्पना हमारे देश के काबिल साइंटिस्ट ने बहुत सालों पहले ही कर लिया था और इसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन और प्लानिंग का काम शुरू भी हो चुका है और डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। अग्नि 7 दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल होगी। अग्नि 7 की रेंज इतनी होगी कि इसमें पूरी दुनिया कवर हो जाएगी। दुनिया का कोई भी देश अग्नि 7 के निशाने से बच नहीं पाएगा। अग्नि 7 के बन जाने के बाद भारत जिस देश में भी चाहे अपने घर में बैठे बैठे हमला कर सकता है और वो देश को भारत के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अग्नि 7 की रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है जो कि दुनिया में एक सबसे ज़्यादा होगी और अग्नि 7 अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जाने में कैपेबल होगा। अग्नि 7 का कुल वेट 70,000 किलोग्राम होगा और इसमें 3 स्टेज के प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाएंगे। पहले और दूसरे स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाएंगे जबकि तीसरे स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाएगा। ये अपने साथ 3 टन तक के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होगा। अग्नि 7 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, इसलिए इस मिसाइल को PSLV रॉकेट और अग्नि मिसाइल के टेक्नोलॉजी को मिला करके बनाया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में इसरो और DRDO साथ मिलकर के काम करेंगे। यानी कि ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारे दुश्मन देशों के लिए। इस मिसाइल को लेकर के भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है क्योंकि इस मिसाइल का रेंज इंटरनेशनल मानकों से भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे इंटरनेशनल देश इस मिसाइल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। अग्नि 7 की टोटल स्पीड 24 मैक होगी यानी साउंड से 24 गुना ज़्यादा और ये 1 से 4 से 5 लोकेशंस पर स्ट्राइक कर सकता है। अब ये बात आपके दिमाग में चढ़ नहीं रहा होगा कि एक मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है और वो एक ही मिसाइल 1 से 4 जगह पर कैसे अटैक कर सकता है। इसके लिए आपको एक बात समझना होगा कि ये नॉर्मल मिसाइल नहीं है, अग्नि 7 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल का फंक्शनिंग समझाता हूँ। एक बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक बारूद से भरा हुआ रॉकेट भी कह सकते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल एक रॉकेट की तरह काम करता है। जिस तरह रॉकेट स्पेस में जाता है और अलग अलग ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, ठीक उसी तरह एक बैलिस्टिक मिसाइल भी काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे पहले अपने लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है और बैलिस्टिक मिसाइल मान लीजिए कि टारगेट 1 है एक पर्टिकुलर जगह पर मिसाइल गिराना, तो बैलिस्टिक मिसाइल स्पीड में अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाता है और एक पर्टिकुलर स्पीड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने एक पार्ट को छोड़ देता है। वो पार्ट एक पर्टिकुलर मिसाइल होता है जो कि बहुत ही स्पीड से गिरता है सीधे नीचे अपने टारगेट के ऊपर। मान लीजिए अब दूसरा टारगेट कुछ दूरी आगे है तो बैलिस्टिक मिसाइल और ज़्यादा ट्रैवल करता है और एक पर्टिकुलर स्पीड और एक पर्टिकुलर हाइट में पहुँचने के बाद अपने दूसरे पार्ट को किसी और डायरेक्शन में गिरा देता है जिस डायरेक्शन में दूसरा टारगेट है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग स्पीड पर सेपरेट होता जाता है और अपने टारगेट्स को एक एक करके तबाह करता जाता है। और अगर कोई इतना भारी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से सीधे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर गिरे तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेलोसिटी वो जनरेट करता होगा। इसी के वजह से इन मिसाइल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। अग्नि 7 की सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम इसे सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि हम इसे दुश्मन देशों के नज़र से छुपा करके पानी के नीचे रख सकते हैं और जब भी युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे तो ये मिसाइल चुपके से हमारे दुश्मन देशों पर हमला कर देगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अग्नि 7 हमारे देश के साइंटिस्ट का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये मिसाइल जल्द से जल्द हमारे साइंटिस्ट बना के खड़ा कर दें जिससे हमारे देश की शान पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इस मिसाइल के बनने के बाद दुनिया के कई देशों की नींद उड़ने वाली है, लेकिन कौन सा ऐसा देश होगा जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी होगी भारत के इस मिसाइल के डेवलप होने के बाद? एक काम कीजिए, आप ही हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा
और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।